आज हम दही बल्ले बनाएंगे और आज मेरे तरीके से आप बनाओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी मुंह में घुलने वाले आपके दही बल्ले बनेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बल्ले बनाने के लिए मैंने एक कटोरी उड़द दाल ली है और आधा कटोरी मूंग दाल ली है। इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे, अच्छे से फूल जाएगी और बल्ले बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आपको जल्दी बल्ले बनाने हैं तो आप गर्म पानी में इसे भिगो सकते हो, तो 1 घंटे में दाल आपकी रेडी हो जाएगी। अब आप जल्दी से जल्दी बल्ले बना सकते हो। उड़द दाल हमारी भीग चुकी है तो इसे हम पीस लेते हैं। ढक्कन लगाएंगे और पीस लेंगे। उड़द दाल पिस गई है तो अब इसके अंदर ही मूंग दाल भी डाल देती हूँ और इसे भी पीस लेती हूँ साथ में। हमें स्मूथ पेस्ट ही रखना है, दरदरा नहीं रखना है। दरदरा जब हम रखते हैं, जब ब्रेड में पूरी कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तब रखते हैं, इसमें रखने की जरूरत नहीं है बल्लों में। दाल पिस चुकी है तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाउल में इसे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ और इसे अच्छे से फेंट लूंगी मैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, आप चाहें तो इसमें आप मिर्ची अदरक का पेस्ट भी मिला के पीस सकते थे, और मैं तो इसमें नमक भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये एक साइड मैंने पानी रखा हुआ है। थोड़ा सा गुनगुना मैंने पानी कर लिया है और इसमें अब मैं नमक और हींग डाल दूंगी। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, जितना फेंटते हैं उतना ये हमारा फूले फूले बल्ले बनते हैं, नहीं तो हमारे ये कड़े बन जाएंगे। कम से कम हमें 10 मिनट तो इसे फेंटना ही है, नहीं तो ये हमारे कड़े बनेंगे। इसलिए हम अच्छे से फेंटना, चम्मच से नहीं फिट पाएगा ये, हाथ से हमें फेंटना है। और कोई सोडा वोडा डालने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बस नमक डाल दीजिए बस और फेंटते चले जाइए। देखिए फेंटते फेंटते ये डबल हो गया है, पहले आधा था कटोरा, देखिए अब फुल होने लगा है, कितनी इसमें हवा भर गई है। अब तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है तब इसमें हम बल्ले डालने स्टार्ट करते हैं। मीडियम गरम में ही हमें डालने हैं, जो साइज आपको रखना है वो साइज रखना है और इसके ऊपर से हमें तेल डालते जाना है जब ये अपना शेप लेगा। अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो ये अपना शेप नहीं लेता है, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं पकौड़े की तरह। तो आंच को हमें मीडियम ही रखना है और जब ये सिक जाए हमारे तो उस पानी में हम डालते जाएंगे नमक का पानी रखा है जो। देखिए एक घान के बल्ले हमारे निकाल लेते हैं और इन्हें झाड़ के पानी में डाल देंगे। अब इन्हें हम पानी में डाल देंगे। ये हमने सारे पानी में भिगो दिए हैं, थोड़ी देर तक हम इन्हें पानी में रखेंगे, उसके बाद निचोड़ निचोड़ के बल्ले तैयार करेंगे। पानी में अच्छे से ये सोख चुके हैं ये बल्ले हमारे, तब इनको हम निचोड़ के एक प्लेट में सजा देते हैं। पूरी तरह से इनका पानी हमें निचोड़ना नहीं है, थोड़ा सा हमें रखना है। पूरी तरह से निचोड़ेंगे तो ये गोल गोल शेप में नहीं रहेंगे, दब जाएंगे, टूट भी सकते हैं। अब इनके ऊपर हम दही डाल देते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा भुना जीरा। थोड़ी सी इसके ऊपर लाल मिर्ची। वाह वाह वाह।
अब इस पे हम थोड़ी थोड़ी सी लाल चटनी डालते हैं। वाह क्या स्मेल है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी हरी चटनी और डालेंगे। हाँ क्या खुशबू है। तो इस तरह से दही बल्ले आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं और अपने फीडबैक मुझे दे सकते हैं। और मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।